इसी बीच एक बड़ी खबर हमें मिल रही है जहां कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। भोपाल से ये बड़ी खबर, कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है और विधायक राहुल लोधी ने इस्तीफा दे दिया है। तो उपचुनाव से पहले ये बड़ी खबर, मतदान से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। दमोह से कांग्रेस विधायक राहुल लोधी, जिन्होंने अपने विधायकी पद से इस्तीफा दे दिया है और अपना इस्तीफा उन्होंने प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को सौंपा है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उपचुनाव से पहले एक और झटका, कांग्रेस को प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को अपना इस्तीफा सौंपा और दमोह से विधायक हैं राहुल लोधी, कांग्रेस विधायक जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस को एक और बड़ा झटका उपचुनाव से पहले लगा है। दमोह से कांग्रेस विधायक राहुल लोधी, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा। तो मध्य प्रदेश उपचुनाव से पहले ये बड़ी खबर मिल रही है, मतदान से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। दमोह से कांग्रेस विधायक राहुल लोधी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, उन्होंने अपना इस्तीफा विधानसभा स्पीकर रामेश्वर शर्मा को सौंपा है और उपचुनाव से पहले कांग्रेस का एक और विकेट डाउन हो गया। तो ये तस्वीरें जब राहुल लोधी अपना इस्तीफा सौंपने पहुंचे थे, उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया है और ये इस्तीफा प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को सौंपा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब मुलाकात की थी कांग्रेस विधायक राहुल लोधी, जो कि अब विधायक नहीं रहे हैं और अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, और 26 ऐसे कांग्रेस के विधायक जो अभी तक अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं, एक के बाद एक कांग्रेस को लगातार बड़े झटके और ये उपचुनाव से पहले एक और बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है। विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वैभव जी, उपचुनाव से पहले ये बड़ी खबर और वोटिंग से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका इस वक्त लग गया है, कांग्रेस विधायक राहुल लोधी ने इस्तीफा दे दिया अपने पद से। कहीं ना कहीं वो सपने का फिर से धूमल पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज जो इस्तीफा दिया है कांग्रेस के दमोह से विधायक राहुल लोधी ने, जिस तरह से रामेश्वर शर्मा जो कि प्रोटेम स्पीकर है, उनका बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि दो दिन पहले दमोह से कांग्रेस के जो विधायक है राहुल लोधी, फिर से मिलने के लिए आए थे और अपना पद से इस्तीफे देने की पेशकश की थी। तब मैंने उनसे कहा था कि आप अभी और चिंतन मनन कर लीजिए, चूंकि आप युवा हैं और राजनीतिक फैसले जल्दीबाजी में नहीं लिए जाते, तो पहले आप अपने परिजनों से बात कर ले, अपने परिचित के नेताओं से बात कर ले, उसके बाद ही कोई फैसला ले। तो कल आप एक बार फिर से विशेष रूप से राहुल लोधी मिलने के लिए पहुंचे प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा से, और फिर उन्होंने कहा कि मैं नवमी के दिन इस्तीफा देना चाहता हूं, तो आज उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि राहुल लोधी के बारे में पहले भी बात चल रही थी कि जल्द ही राहुल लोधी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, जब बड़ा मलेरा से कांग्रेस के विधायक कुंवर लोधी ने जो इस्तीफा दिया था, उनके लोधी का इस्तीफा देने के बाद ये बात तेजी से चली थी और उस वक्त भी राहुल लोधी का नाम सामने आया था कि अब राहुल लोधी भी इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन जब राहुल लोधी से उस वक्त बात की गई थी जया, उस वक्त राहुल लोधी ने साफ इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि मुझे कांग्रेस पर भरोसा है, मुझे कांग्रेस के नेताओं पर भरोसा है, तो मैं बीजेपी में नहीं आऊंगा। हालांकि इस तरह की अटकलें लगातार लगती जा रही थी जब से कांग्रेस के बड़ा मलेरा से विधायक ने अपनी विधायक पद से इस्तीफा दिया था। तो आज जो अटकलें थी वो सही साबित हो गई,
रही। कुंवर जो राहुल लोधी हैं दमोह से जो कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे को प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने स्वीकार भी कर लिया। तो अब जो कांग्रेस की मुश्किलें हैं, मुश्किलें भी बढ़ेंगी और सरकार बनाने की जो कोशिश कमलनाथ के द्वारा, दिग्विजय के द्वारा, कांग्रेस का तमाम प्रदेश नेतृत्व के द्वारा की जा रही है, वो कहीं ना कहीं जो कोशिशें हैं और धूमिल पड़ गई हैं। लेकिन वैभव जी, जिस तरह से उन्होंने कहा था जब पहले मुलाकात की गई थी बड़ा मल्हारा से, जब इस्तीफा दिया गया था उस समय कहा था कि मैं तो कांग्रेस का ही सिपाही हूँ, कांग्रेस में ही बना रहूंगा, अचानक से क्या हुआ, हृदय परिवर्तन क्यों हो गया है राहुल लोधी का? जो चेयरमैन आपने पहले ही कहा कि प्रद्युमन सिंह लोधी के ये परिचित हैं और रिश्तेदार भी लगते हैं, और प्रद्युमन सिंह लोधी के इस्तीफा देने के बाद से ही इस तरह की अटकलें, इस तरह की संभावना व्यक्त की जा रही थी कि आज नहीं तो देर सवेर कल जरूर राहुल लोधी बीजेपी का दामन थाम लेंगे। हालांकि उस वक्त शायद कोई रणनीति के तहत एक बीजेपी में वो शामिल नहीं हुए हों, या फिर कोई बीजेपी के जो रणनीतिकार है वो उस तरह की रणनीति बना रहे हो कि वक्त पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर राहुल लोधी को बीजेपी में शामिल कराया जाएगा। और यही कारण है कि दो दिन पहले अकस्मात राहुल लोधी पहुंचते हैं रामेश्वर शर्मा से मुलाकात करने के लिए और उन्हें इस्तीफा देने की पेशकश थी। जिस तरह से रामेश्वर शर्मा ने भी अपने बयान में कहा कि दो दिन पहले मेरे से मिलने के लिए आए थे, लेकिन मैंने उन्हें दो दिन का वक्त दिया था कि आप अपने नेताओं से बातचीत करें, राजनीतिक फैसले जल्दबाजी में नहीं लिए जाते। तो फिर दो दिन बाद वो वापस राहुल लोधी आया और राहुल लोधी ने कहा कि मैं नवमी के दिन इस्तीफा देना चाहता हूं, और फिर उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया। अब इसमें बीजेपी की क्या रणनीति है ये भी देखने वाली बात होगी, और ये जो डैमेज हुआ इसको कांग्रेस किस तरीके से कंट्रोल करती है, क्योंकि अब मध्य प्रदेश में एक और उपचुनाव होगा। फिलहाल जो 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, 3 नवंबर को मतदान होने हैं, तो अब एक और सीट दमोह बढ़ गई है जिस पर 6 महीने के भीतर निर्वाचन आयोग को मतदान कराना होगा। अब बहुत सारे सवाल हैं जया कि आखिरकार कांग्रेस के सिपाही थे, अब किस तरीके से उन्होंने इतना सिपाही पद से इस्तीफा दिया, क्योंकि अभी उन्होंने बीजेपी का दामन नहीं थामा है। बीजेपी का जब दामन थाम लेंगे उसके बाद कुछ कहा जाएगा, लेकिन फिलहाल तो राहुल लोधी अपने विधायक पद से इस्तीफा दे चुके हैं और अब बीजेपी की छोड़ी कांग्रेस की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। बिल्कुल, कांग्रेस की मुश्किलें तो लगातार बढ़ी हुई हैं वैभव जी, और अब और ज्यादा बढ़ गई हैं। लेकिन जब लोधी ने विकेट डाउन किया था, प्रद्युमन सिंह लोधी जब भाजपा में शामिल हुए थे उस समय बेड़ाबंदी कांग्रेस ने शुरू कर दी थी, तरवर और राहुल से मुलाकात भी की थी कमलनाथ ने और आश्वासन भी दिया था, तमाम बातचीत भी की गई थी, लेकिन क्या अभी उपचुनाव में कमलनाथ इतने व्यस्त हो गए कि अपने विधायकों पर ध्यान देना भूल गए? ऐसा कुछ समझा जाए कि अचानक से विधायकों ने झटका दे दिया कांग्रेस को? आज आपको थोड़ा पीछे फ्लैशबैक में भी जाना होगा, जब सिंधिया समर्थक विधायक अकस्मात बाया दिल्ली बेंगलोर पहुंच जाते हैं, जब वो बेंगलोर पहुंच जाते हैं उसके बाद कमलनाथ का जो इंटेलिजेंस है वो सक्रिय होता है, पत्रकारों के द्वारा प्राथमिक तौर पर सूचना दी जाती है कि मध्य प्रदेश की सियासत में कुछ ऐसा चल रहा है। क्या आपको जानकारी है? जब वो खबर उन तक पहुंचती है तो उसके बाद वो सक्रिय होते हैं, दिल्ली में अपने इंटेलिजेंस से बात करते हैं, अपने नेताओं से बात करते हैं, फिर वो कड़ी बेंगलोर से जुड़ती जाती है। तो शायद उसको मिसकम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। जिस तरह से हम देखते हैं कि जब कांग्रेस के जो विधायक थे वो बीजेपी में शामिल हो गए, तो उसके बाद कमलनाथ प्रतिदिन विधायकों से उन्होंने फोन पर बातचीत करना शुरू कर दी थी। प्रतिदिन फोन लगाया जाता था कमलनाथ के निवास से और बातचीत की जाती थी कि विधायकों को कोई परेशानी तो नहीं है, सभी विधायक कांग्रेस के संपर्क में है, और अगर कोई संपर्क में नहीं है तो उसका कारण क्या है। लेकिन अब फिर वही बात जया सामने आ गई कि आपके विधायक जो कि पहले कहते हैं कि हम कांग्रेस के सिपाही हैं, और वही सिपाही कांग्रेस को छोड़कर अब दूसरे दल में वो शामिल होंगे, तब कहा जाए बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन आपको तो छोड़कर वो जा चुके हैं। बिल्कुल, बीजेपी में अभी भले शामिल नहीं हुए लेकिन बीजेपी को एक और मौका मिल गया है बात करने का। फिलहाल शुक्रिया आपका वैभव जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे इसके समीकरण समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि राहुल लोधी का हृदय परिवर्तन हो गया। मनोज जी, एक और बड़ा झटका उपचुनाव से पहले, एक तरफ कमलनाथ प्रचार प्रसार कर रहे हैं, मंचों के जरिए बीजेपी पर निशाने साध रहे हैं और कह रहे हैं कि जिसे जाना था वो चले गए, अब कांग्रेस के सारे हितैषी हैं, कांग्रेस के सारे सिपाही हैं जो कांग्रेस को छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन एक और बड़ा झटका राहुल लोधी ने दे दिया है कमलनाथ को और कांग्रेस को। देखिए जय, जो कुछ भी घटनाक्रम हो रहा है अप्रत्याशित, जैसा अभी वैभव बता रहे थे, वैभव और हम एक जो सीनियर एक मिनिस्टर है मध्यप्रदेश सरकार के जी। अक्टूबर के पहले सप्ताह में हमने उनसे मुलाकात की थी, तो उन्होंने खुलासा किया था कि बीजेपी प्लान बी पे काम कर रही है और 3 विधायकों पर उनकी नजर है जी। जो कि इस्तीफा देने वाले हैं वैभव, और ये वो मंत्री हैं शिवराज सरकार के जो ऑपरेशन लोटस से जुड़े हुए थे, जब कांग्रेस के 22 विधायकों ने
इस्तीफा दिया था, बगावत की थी, और बाद में तीन विधायकों ने इस्तीफा दिया था। तो जो जानकारी उन्होंने हमसे सार्वजनिक की थी वो सारी जानकारी, ऐसा नहीं कि कांग्रेस के नेताओं को ना होगी, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस से डैमेज कंट्रोल में चूक हुई है। दूसरी एक बात है कि चुनाव में कांग्रेस दागी बागी गद्दारों का एक बड़ा मुद्दा बना रही है। कल भी हमने देखा था कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने एक वीडियो ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने दिखाया कि प्रद्युम्न सिंह तोमर कैसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पेड़ पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि जागी और जय चंदों का यही हाल होना है। कांग्रेस को उम्मीद थी कि चुनाव में इसको बड़ा मुद्दा बनाएंगे और शायद उनको सफलता हासिल मिले, लेकिन राहुल लोधी का इस्तीफा यह बताता है कि इससे कांग्रेस के अंदर ही उसमें प्लानिंग पर सवाल उठ रहे हैं और पब्लिक को के साथ साथ कांग्रेस के विधायकों को भी लगता है कि ये मुद्दा इतना ज्यादा असर डालने वाला नहीं है। दूसरी एक बात है कि बाकी विधायकों के लिए तुम कहते रहे थे 22 लोगों के लिए कि उन्होंने 35-35 करोड़ रुपए ले लिए, लेकिन अब राहुल लोधी ने अभी जो इस्तीफा दिया और जो तीन इस्तीफे दिए हैं उनके बारे में उनको पास कहने को कुछ नहीं है। और बीजेपी का प्लान बी ये भी है कि जब नतीजे आएंगे और अगर उनके उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं आए विधानसभा चुनाव में, हालांकि उनको केवल 9 सीटें जीतना है बहुमत के लिए और बीजेपी ने 2 निर्दलीय विधायकों का 3 पहले ही समर्थन जुटा लिया है, चाहे वो प्रदीप जायसवाल हों, केदार सिंह डावर हो और राणा विक्रम सिंह, इन्हों का पहले ही समर्थन, लेकिन बीजेपी चाह रही है कि अगर उनकी 9 सीट से अगर कम आती हैं तो किसी भी स्थिति में सरकार बरकरार रहे, इसीलिए बीजेपी के संपर्क में आधा दर्जन कांग्रेस के वो विधायक हैं और जरूरत पड़ी तो एन मौके पर वो इस्तीफा बीजेपी के पक्ष में दे सकते हैं। राहुल लोधी की बात करें तो उन्होंने बीजेपी से पहले से संपर्क में थे, जितने भी लोधी थे, प्रद्युम्न सिंह लोधी और वो चाचा भतीजे लगते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब रिश्तेदार गया तो दूसरे से बात हुई होगी। लेकिन कांग्रेस का बड़ा फेल्यूर यह है कि कांग्रेस को लगता था कि उनके विधायकों ने जितने जाना थे चले गए, अब कोई बगावत नहीं होगी, लेकिन अगर एन चुनाव के बीच में इस प्रकार का झटका कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि 8 दिन का समय बचा है वोटिंग में, ऐसे में कांग्रेस इस झटके से कैसे उभरती ये देखने वाली बात हो। मुझे ठीक है सर, बने रहिएगा हमारे साथ। कांग्रेस फिरोज सिद्दीकी भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। फिरोज जी स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। जी थैंक यू। फिरोज जी एक और झटका कांग्रेस को लगा है दमोह से, कांग्रेस विधायक राहुल लोधी इस्तीफा दे दिया है उन्होंने पार्टी से, जानकारी है सर आपको? हाँ जी। ये झटका कांग्रेस को कम, लोकतंत्र को ज्यादा है। राहुल लोधी तो आप लोगों से बहुत दिन पहले से कह रहे थे कि मुझे खरीदने की कोशिश हो रही है, ऑफर दिया जा रहा है, अब उनकी डिमांड जो है भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कर दी होंगी, क्योंकि शिवराज सिंह जी को ये समझ में आ रहा है, उनकी जमीन दिख रही है, उनकी खाली कुर्तियां उनको दिख रही है, जनता जिस तरीके से उनकी सभाओं में से उठ के खड़ी होकर भाग जाती है, ये सारी चीजें शिवराज जी को दिख रही है। अब वो जनता का एक मानस बदलने का प्रयास कर रहे हैं, अपने पैसे और धनबल और सरकार की दम पे, कि कांग्रेस का जो है वो घर ठीक नहीं है, गद्दारी नहीं है, ये तो कांग्रेस पे घर नहीं चलता, लेकिन जनता ज्यादा समझदार है गद्दारी है। जनता समझदार है सर, वो तो 3 नवंबर को वोटिंग जब होगी तब पता चलेगा, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं कि राहुल लोधी पहले से कह रहे थे कि मुझे खरीदने की कोशिश हो रही है, अब बीजेपी ने उन्हें खरीद लिया है, तो क्या आपके विधायकों का कोई ईमान धर्म नहीं है कि आपको अगर 35-35 करोड़ रुपए मिलेंगे जैसा कि कांग्रेस जिक्र कर रही है, और यदि पैसे मिल रहे हैं तो क्या विधायक अपनी पार्टी बदल लेंगे? पार्टी के प्रति कोई ईमान नहीं, कोई ईमान धर्म कांग्रेस का नहीं, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री उनसे पूछे कि आपका ईमान धर्म है या नहीं है, ये सवाल आपको सत्ता पक्ष से पूछना चाहिए कि आपका कोई ईमान धर्म है या नहीं है, या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की ये कीमत है कि आप पैसों पे दूसरों को खरीद के लाएंगे, और जो 25-30 साल से जो पार्टी की जिसने जीवन दे दिया उसको टिकट नहीं देके भारतीय जनता पार्टी के आप कांग्रेस से जिसको खरीद के लाए हैं उसको टिकट देंगे, तो ये पहला सवाल आप शिवराज सिंह जी बिल्कुल उनसे पूछेंगे। फिरोज जी उनसे तो पूछेंगे। हमारे साथ राजू मालवीय जी भी फोन लाइन पर जुड़ गई हैं, लेकिन आपसे भी सवाल पूछना जरूरी इसलिए हो जाता है उनसे डेफिनेटली सवाल पूछूंगी। आप बने रहिएगा, ठीक है, मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन हमारे साथ राजू मालवीय जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजू जी स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। राजू जी, राहुल लोधी दमोह से विधायक है कांग्रेस के, बड़ा झटका उपचुनाव से पहले कांग्रेस को दिया है राहुल लोधी ने दिया है या बीजेपी ने दिया है, ये सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। फिरोजी ये जो बड़ा झटका मैम दिया है राहुल लोधी दमोह से, कांग्रेस के विधायक है, उन्होंने अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, प्रोटेम स्पीकर को अपना इस्तीफा उन्होंने सौंप दिया है, हालांकि बीजेपी अभी ज्वाइन नहीं की है, लेकिन फिरोज जी कांग्रेस से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े, उनका सवाल यह है कि बीजेपी ने उन्हें खरीदा है, पैसे दिए हैं, इसलिए वो पार्टी में चले गए। देखिए
छोड़ता है, इनको लगता है दूसरा खरीद रहा है। हाँ, यही इनकी गलतफहमी है और इसी के कारण ये लगातार गर्त में जाते जा रहे हैं। जी आप देखिए कि इनके पहले भी जो विधायक गए, इन्होंने कहा कि उनको खरीद लिया। अरे वो इतने बिकाऊ हैं क्या? राहुल लोधी को आप जानते नहीं है क्या? वर्षों से उनकी पीढ़ियों को नहीं जानते हैं क्या कि वो बिकेंगे क्या? लेकिन कांग्रेस की जो रीति नीति है, कमलनाथ जी का जो व्यवहार है, उस सबको लेकर के कहीं ना कहीं इनके जनप्रतिनिधियों में भी आक्रोश भी है और क्षोभ भी है। जी और उस बात को लेकर के वो अगर पार्टी छोड़ रहे हैं और चुनाव के समय छोड़ रहे हैं तो ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कांग्रेस का। बीजेपी में शामिल होंगे क्या राहुल लोधी? अभी तक तो ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है राजू जी, लेकिन कोई जानकारी आपको प्रवक्ता होने के नाते हो तो कि पार्टी ज्वाइन करने वाले राहुल लोधी? ऐसी कोई जानकारी नहीं है जी। ये राहुल लोधी जी का स्वयं का अपना निर्णय है कि वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे जी या नहीं करेंगे या स्वतंत्र रहेंगे, ये उनका अपना निर्णय है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। यानी कि ये कहा जाए कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने के पीछे बीजेपी की कोई मंशा नहीं है, जबकि बीजेपी के ही आला नेता कई बार मंचों से कह चुके हैं कि कई विधायक अभी भी हमारे संपर्क में हैं, कईयों पर हमारी नजर है। राइट जय जी, मैं कमेंट दूं जी राजू जी, ये बात कह रही है तो कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि जनप्रतिनिधि आपस में सभी बात करते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं होता। वैसे तो कमलनाथ जी ने भी कहा था, पीसी शर्मा जी ने भी कहा था कि बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में हैं। हाँ। तो आपने भी तो संपर्क में कहा था ना, तो बातचीत करने में तो किसी का किसी से रोक नहीं है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है। और पहली बात, कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं जी, वो तो सेठ जी है। हाँ। क्योंकि उनके पास कमी नहीं, अगर तुम्हारा आदमी बिक रहा था तो तुम्हें खरीद लेते, लेकिन ये कोई व्यक्ति बिकता नहीं है। किसी का मान सम्मान स्वाभिमान इतना छोटा नहीं है कि वो चंद सिक्कों में बिक जाए। इसलिए मेरे कांग्रेस के साथी प्रवक्ता जो इस तरह की बात कर रहे हैं, हाँ। मुझे उनकी सोच पर उनकी मान मैंने राजू जी एक अपडेट देना है कि थोड़ी ही देर में बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, हाल ही में कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके राहुल लोधी, सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करने पहुंचेंगे और फिर पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। राजू जी मेरी बात जी, हम आने मुख्यमंत्री जी के पास वो मिलने जाएंगे और वहाँ वो अपनी इच्छा प्रकट करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से राजनीति है। ठीक है, उसमें अगर वो ज्वाइन करेंगे तो हम ठीक है। ठीक है मैम, सिद्दीकी जी से भी बात सुन लेते हैं जी। सर बताइए जया जी, अभी 240 करोड़ रुपए के एक फर्जी कंपनी को ऑर्डर किए पेस्टिसाइड के, ये जो पैसा इकट्ठा किया जा रहा है जनता को लूट के, तो मैं आज मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आप लोकतंत्र में या लोकतंत्र को क्या खरीद के ही बनाएंगे? ये तो अब सामने हो गया कि अब वो जा रहे हैं वहाँ ज्वाइन करेंगे, फिर आपको हम दिखा देंगे कि तीन तक जब इसके बाद दमोह सीट का उपचुनाव होगा तो वो राहुल लोधी वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। बाकायदा डील होती है, 35 करोड़ भी चाहिए, फिर उसके बाद चुनाव भी लड़ाएंगे, हमारी रेत की खदान भी चलवा के दूंगे। जवाब दीजिए सर, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, आप क्योंकि प्रवक्ता हैं, चलिए मैं एग्जाम्पल के तौर पर ही आपसे पूछती हूँ कि अगर बीजेपी की प्रवक्ता या बीजेपी के आला नेता आपके पास आते हैं और आपसे कहते हैं कि मैं आपको इतने पैसे दूंगा, आप बीजेपी के प्रवक्ता बन जाइए, आप बन जाएंगे क्या? आपकी भी पार्टी के प्रति कोई ईमानदारी निष्ठा होनी चाहिए। नहीं, तो आपने ये देखा था तो दो विधायक टूट के हमारे पास आए थे, हमने उन्हें वापस कर दिया, हमने कहा ये खरीद फरोख्त की राजनीति हम नहीं करते। हाँ। दो विधायकों ने इनके क्रॉस वोटिंग की राज्यसभा के चुनाव में, देखा आपने ये चीज, लेकिन हमने कहा हम ऐसे काम नहीं करते क्योंकि हमारा हाईकमान और खुद कमलनाथ जी ऐसी चीजों के लिए हम तैयार नहीं है। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया फिरोजी? क्योंकि जब प्रद्युम्न सिंह लोधी ने राहुल लोधी ने कहा था कि मैं पार्टी के प्रति निष्ठा रखता हूँ, अचानक क्या हुआ? जया जी कुछ नहीं हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक गई है। आपको नहीं दिख रही क्या शिवराज सिंह जी की खाली कुर्ती है? हाँ। मुख्यमंत्री की सभा में खाली कुर्तियां होती हैं क्या? बताइए, आप देखिए उनके महाराज भाग गए वापस दिल्ली,
वो चुनाव प्रचार में भाग नहीं ले रहा है, कार्यकर्ता घर से नहीं निकल रहा, कह रहा है वो हम इन गद्दारों के लिए वोट नहीं मांगेंगे भाजपा का कार्यकर्ता। तो ये जो स्थितियां हैं अब भारतीय जनता पार्टी को एक्चुअल अपना कैलकुलेशन समझ में आ रहा है। रुक जाइए आप, जल्दी मत करिए, जल्दी जल्दी नहीं, राजू जी की भी प्रतिक्रिया लेनी है। नहीं आप जल्दी जल्दी मत करिए, आपने उनसे भी जवाब लेना बहुत जरूरी है। हाँ तो मेरी बात पूरी हो जाए फिर आप जल्दी दो। तो अब भारतीय जनता पार्टी को ये स्पष्ट दिख रहा है कि अब हमारी हार तय है। अब वो अपने ये जो जिसको कहते हैं ना साम दाम दंड भेद की राजनीति, ये वो साम दाम दंड भेद की राजनीति करके अब किसी भी तरीके में अपनी सरकार को टिकाए रखना चाहते हैं। उनकी अभी नरोत्तम मिश्रा जी ने बयान दिया था कि अरे हमारी तो एक भी सीट आ जाए तो भी हमें 115 हो जाएंगे। फिर वो केदार डाबर को पकड़ के लाए कहीं से कि लो भैया आप कहो कि तुम भाजपा, उसने बाहर निकल के कह दिया कि सरकार को समर्थन है भाजपा को समर्थन नहीं है। ये सारे गलत जो है भाजपा की हार और हताशा को दिखा रहा है। जिसने हमारे साथ गद्दारी की है उसका भी वही हाल होएगा वहाँ दमों में। ठीक है, वो जनता के हाथ में है, जनता ही इसका जवाब देगी। राजू जी क्या कहेंगे, क्योंकि बीजेपी तो ज्वाइन करने वाले हैं अब कुछ ही देर में राहुल लोधी, लेकिन जो आरोप लगातार कांग्रेस की तरफ से लग रहे हैं बीजेपी पर कि आप लोग खरीद फरोख्त की राजनीति कर रहे हैं, लोकतंत्र की तो कोई वैल्यू ही अब नहीं रही है, तो इस तरह की बातों का बीजेपी कैसे जवाब देगी, क्योंकि कई मंचों से तो बीजेपी भी कह चुकी है कि भाई हाँ ऐसी चीजें हुई हैं। नहीं, हमने किसी मंच से नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी खरोद फरोख्त में विश्वास नहीं रखती। ये आज की विजयदशमी का ये सबसे बड़ा जोक है। साथी इनको छोड़कर जा रहे हैं, डूबते जहाज से तो पक्षी भी अपना बसेरा छोड़ देते हैं। तो फिर वो तो दिख रहा है कि किस तरह से कांग्रेस की दुर्गति हो चुकी है। और रही बात पैसे कमाने की, तो 15 महीने की सरकार ने जो कमाया था वो 231 करोड़ निकला तो था, आप भूल गए। अच्छा, और भी कोई है क्या राजू जी, और भी कोई संपर्क में है कुछ, किसी पर निगाह है बीजेपी की अभी? नहीं, हमारे संपर्क में कोई नहीं है, लेकिन हमारे पास कोई प्रस्ताव लेके आएगा तो हम स्वागत करेंगे। तो हम 33 करोड़ दे देंगे और अपनी सीट से चुनाव लड़ा देंगे। अरे हमें जरूरत ही नहीं है 33 करोड़ देने की महाराज। क्यों आ रहे हैं ये कांग्रेस से आए लोग, क्यों आपकी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं? राजू जी, आपको टिकट देते मैं सवाल नहीं करता। अगर आपकी पार्टी आपको टिकट देती सांची से या कोई और सीट से, तो मैं सवाल नहीं करता कि राजू जी कांग्रेस भाजपा की कार्य करता है। लेकिन जब कांग्रेस का आदमी, मेरी सीट, मेरा घर, मेरा अलग है, मुझे सांची से लड़ने की क्या जरूरत है? अरे वो कहीं से भी मैं सांची नहीं बोल रहा हूँ, आप सांची को मत मानिए। मैंने कहा कि सांची में कोई किसी भी विधानसभा से संसदीय बोर्ड करता है ना, हमारे यहाँ कोई परिवार नहीं करता, इसलिए आप इस तरह की ना तो बात करें और ना इस तरह के। ठीक है, फिरोज जी आखिरी सवाल आपसे, सर समय मेरे पास क्योंकि बहुत कम है, फिरोज जी आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी। इतने विधायक कांग्रेस का साथ छोड़ चुके हैं और अब आने वाले समय का भी कोई भरोसा नहीं है कि कितने कांग्रेस के पाले में रहेंगे, क्या कांग्रेस का मोरल डाउन नहीं हो रहा है? अभी भी कांग्रेस के हौसले बुलंद हो रही, कह रही है कि आने वाले उपचुनाव में हमें जीत मिलेगी। देखिए हमारा मोरल डबल हो गए जी, मेरा मेरे से पूछ रही है जया जी? जी जी आपसे ही पूछा सर। जी आपसे ही पूछा फिर। हाँ, हमारा मोरल डाउन नहीं बल्कि हमारा मोरल और ज्यादा बढ़ गया है। अब ये स्पष्ट हो गया है कि सामने वाले कैंप ने अपनी हार मान ली, इसलिए उसको इस तरीके की दल बदल की राजनीति कराने पड़ रही है, केदार डाबर को लाना पड़ रहा है, जस्ट प्रेस मीडिया के सामने दिखाना पड़ रहा है। तो हम समझ रहे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार जो है वो स्वीकार कर ली है और उसको माकूल जवाब जनता देने की तैयारी में है। ये जो एक गद्दार गया, इसको भी गद्दारी का माकूल जवाब जनता, दमोह की जनता देगी। हमारे बुंदेली लोग गद्दारी बर्दाश्त नहीं करते, हम लोग रानी लक्ष्मीबाई के वंशज हैं, हम बुंदेली लोग, मैं भी बुंदेलखंड से आता हूँ। हम लोगों ने देश प्रेम की बात की, तो इस गद्दार को भी, राहुल लोधी को भी हम सही सबक सिखाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया फिरोजी हमसे जुड़ने के लिए। राजू मालवी जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी थी, लेकिन उपचुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका इस वक्त लगा है। 3 नवंबर को वोटिंग होनी है मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर उपचुनाव की, और उससे पहले